हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स एंड ट्यूब। मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप आपका फोन से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे, और जो आपका एंड्रॉइड फोन होते हैं उसको यूज करके आप कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये मेरे को रिक्वेस्ट किया है मेरा एक फ्रेंड्स, मेरा जो सब्सक्राइबर है ड्रीम क्लासेस, तो उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको भी पता नहीं है तो आपको भी पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपको एक मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत है, जो है आपको यूट्यूब ऐप। यूट्यूब ऐप बहुत ही अच्छा फीचर्स हम लोगों के लिए दिया है, तो वहां पे आप यूट्यूब भी देख सकते हैं और वहां पे भी लाइव भी जा सकते हैं। तो यहां पे आपको यूट्यूब ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको ओपन करना पड़ेगा और आपका जो चैनल का जो यूज मतलब जीमेल आईडी है उससे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंडेटरी जो है, जो अब जब भी आप मोबाइल पकड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे तरह आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, बहुत सारा लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं मैं देखता हूँ, ऐसे तरह लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब मोबाइल को ऐसे तरह पकड़ के लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपको जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करना है आप मोबाइल को ऐसे तरह पकड़िए, ठीक है, क्योंकि आप अगर 720p या 1080p अगर रेजोल्यूशन भी सेट करते हैं उसके बाद अगर आप मोबाइल को ऐसे तरह पकड़ते हैं ना कि ऐसे तरह, तो आपका जो स्क्रीन होगा वो राइट और लेफ्ट साइड में ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा और व्हाइट स्क्रीन नहीं आएगा, तो ये देखने में बहुत ही खराब लगते हैं। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करने जाए तो आपका मोबाइल को ऐसे तरह होल्ड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे चैनल पे आपको लॉगिन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहले से ही लॉगिन हूँ, तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकॉन आ रहे हैं जो वीडियो कैमरा का आइकॉन है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक है रिकॉर्ड और दूसरा है गो लाइव, तो यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटेड टाइटल, यहाँ पे टाइटल लिखने का जगह दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइटल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख दिया है और उसके बाद आप यहाँ पे इसको पब्लिक करना है, आपको यहाँ पे पब्लिक बाय डिफॉल्ट रहते हैं तो यहाँ पे पब्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप इसको अनलिस्ट करना चाहते हैं तो इसको प्राइवेट करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन सेट करना है, लोकेशन सेट करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर लोकेशन आप यहाँ पे सेट करेंगे बहुत ही अच्छा फीचर से, नया फीचर से, तो ये लोकेशन अगर सेट करेंगे तो लोकेशन के हिसाब से आपका जो सर्चिंग होगा, सर्चिंग का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पे प्रायोरिटी बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन है, तो मोर ऑप्शन पे आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल फॉर लेटर, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडवांस सेटिंग्स में जब भी जाएंगे तो यहाँ पे आप अलाउ चैट और इसको डिसेबल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाते हैं। और यहाँ पे मॉडरेशन का यहाँ पे ऑप्शन, अगर आपका ऑलरेडी मॉडरेशन है, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है यहाँ पे मॉडरेशन अभी अनेबल नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप मॉडरेशन करना चाहते हैं, आपका ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो यहाँ पे आप मॉडरेशन ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्माइल फॉर थंबनेल यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे अगर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे और एक टेक ले लेता हूँ, रिटेक अगर करना है तो यहाँ पे आप रिटेक कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे जाना है और रिटेक थंबनेल, तो ऐसा कुछ यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे ऐड हो चुका है लाइव स्ट्रीमिंग का थंबनेल। और उसके बाद यहाँ पे आपको गो लाइव पे क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए गोइंग लाइव हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लाइव जा रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लेगा, नेट के हिसाब से होते हैं। देखिए अभी यहाँ पे लाइव हो चुका हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसे करके मैं आप लाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर का जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कितना व्यूज हो रहे हैं, कितना लाइक्स हो रहे हैं। तो ये जो चैनल है, ये चैनल एकदम बेकार का चैनल है, मतलब बहुत दिन इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी व्यूज़ नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, बहुत दिन पहले मैं इसको छोड़ दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना व्यूज़ हो रहे हैं, कितने लाइक्स हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो आप कोई भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा फिल्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ और ये वाला छोड़ देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
शो चैट्स का यहाँ पे चैट मैसेज का यहाँ पे दिखा रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई भी चैट करते हैं तो यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, म्यूट माइक्रोफोन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और म्यूट भी कर सकते हैं। और उसके बाद और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही है। और यहाँ पे आप ऐसी तरह बहुत ही अच्छी तरीके से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसको यूज़ करके आपका वॉच टाइम भी बहुत ही ज़्यादा गैदर होगा। बहुत ज़्यादा अगर एंगेजमेंट पाना है तो आपको लाइव चैट जरूर करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आपका ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो क्लोज बटन आ रहे हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग, तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग होगा थोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे वो शो करेगा कि कितना टाइम तक आपका प्रोसेसिंग हुआ है, कितना प्लेबैक्स हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन कितना हुआ है और एवरेज वॉच टाइम कितना हुआ है, टोटल वॉच टाइम कितना हुआ है, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो जब भी आपका हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो डन पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपका चैनल पे चला जाएगा, और चैनल का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ऑन फोन यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग है स्टार्टेड, मतलब अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे प्लीज़ लिखिए। और फ्रेंड्स मेरे ऐसे वीडियो टिप्स को अगर मिस करना नहीं चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपका साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।